नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज़ किचन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करूंगी मूंग दाल नमकीन की रेसिपी। खाने में ये बहुत टेस्टी होती है और बिल्कुल इजी तरीके से बन जाती है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मूंग की धुली हुई दाल ली है। मूंग की धुली हुई दाल से हम मूंग दाल नमकीन बनाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे इसको हम। तो पहले इसे हम धो लेंगे 2 से 3 बारी। तो दाल को मैंने एक बोल में डाल दिया है, इसे मैं धो लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं इसको पीने के पानी में भिगो दूँगी करीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये दाल मैंने धोकर भिगो दी है। भिगोते समय मैंने इसमें सोडा ऐड नहीं करी है, मैं इसे बिना सोडा के ही बनाने वाली हूँ। तो इस दाल को भिगो कर हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। तो दाल को रखे हुए करीबन 4 घंटे हो गए हैं। एक दाना दाल का लेकर उसे दबा कर देखें कि वो सॉफ्ट हो गई है कि नहीं। तो ये देखिए, दाल हमारी सॉफ्ट हो गई है अच्छे से। इस दाल का पानी हम निकाल देंगे और इसको फिर से हम 2 बार अच्छे से धो लेंगे। तो दाल का पानी मैंने निकाल दिया और इसे मैंने धो लिया अच्छे से 2 बारी। अब इसे छन्नी में हम दाल को रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए। उसके बाद इसको हम एक कपड़े पे सुखा लेंगे 1/2 घंटे के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रे में कपड़ा लगा कर रख लिया है। तो फिलहाल इस दाल को हम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो दाल को रखे हुए करीबन 20 मिनट हो गए हैं, दाल का पानी अच्छे से निकल गया है। अब इसको एक कपड़े पे डालकर हम सुखा लेंगे 1/2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। इस कपड़े पे मैं फैला दूंगी दाल को। तो मैं एक फॉक की हेल्प से इसको दाल को फैला दूंगी कपड़े के ऊपर और इसे 1/2 घंटे के लिए मैं पंखे में रख दूंगी, ताकि हल्की सी ये ड्राई हो जाए। तो मूंग की दाल को मैंने कपड़े में फैला दिया है अच्छे से। आप चाहे तो एक ड्राई कपड़े से भी इसको पोंछ सकते हैं, पर मैं इसे पंखे में रख दूंगी अच्छे से ड्राई होने के लिए। तो दाल को रखे हुए करीबन 1/2 घंटा हो गया है, दाल हमारी ड्राई हो गई है। अब इस दाल को हम फ्राई करेंगे। दाल को फ्राई करने के लिए मैंने इस तरीके की छन्नी ली है। अगर आपके पास इस तरीके की छन्नी ना हो तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसमें दाल इजीली फ्राई हो जाएगी। दाल को फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से तेज आंच पे गरम करेंगे और चेक करने के लिए कि ऑयल हमारा अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं, एक दाल का दाना हम ऑयल में डाल के देखेंगे कि ऑयल अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं। तो दाल का दाना एकदम ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम छन्नी रख देंगे जिसमें हम दाल फ्राई करने वाले हैं। तो दाल को हम बैचेस में फ्राई करेंगे। थोड़ी सी दाल हम छन्नी में डाल देंगे और इसको मीडियम से तेज आंच पे फ्राई कर लेंगे। बीच में चलाते रहेंगे इसको इस तरीके से। तो दाल को फ्राई होने में करीबन 2 से 2.5 मिनट लग जाएंगे। तो गैस को हम मीडियम से हाई हीट पर ही रखेंगे दाल को फ्राई करते समय, और बीच बीच में चलाते रहेंगे इसको। तो ये देखिए, दाल हमारी फ्राई हो गई है, इसका हल्का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें से एक दाल लेकर इसको हम दबाकर देखेंगे कि वो क्रिस्प हुई है कि नहीं। तो मैं दाल का दाना लेकर इसको दबा कर देखूंगी। तो दाल हमारी अच्छे से क्रिस्प हो गई है, ये देखिए एकदम चूरा हो गया दाल का जब इसे हमने प्रेस किया। इसी तरीके से हम जब भी दाल को फ्राई करेंगे तो उसे हम चेक कर लेंगे। तो दाल को मैं निकाल दूंगी एक टिश्यू के ऊपर, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए। अब हम दाल का दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे। अब इस छन्नी में हम दाल डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो इस दाल को भी हम मीडियम से हाई हीट पे फ्राई कर लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे। तो ये दाल का बैच भी हमारा फ्राई हो गया है, इसे भी हम चेक कर लेंगे कि क्रिस्प हुआ है कि नहीं। तो हर बार जब भी हम दाल को फ्राई करेंगे तो चेक करते रहेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम सारे दाल को फ्राई कर लेंगे। तो ये दाल हमारी अच्छे से क्रिस्प हो गई, इसे भी मैं निकाल लूँगी एक टिश्यू पे। तो सारी दाल ये हमारी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। इस दाल में ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं सिर्फ इसमें नमक ही ऐड करने वाली हूँ। मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूँगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्च या फिर चाट मसाला, पर मैंने सिर्फ इसमें नमक ही ऐड करा है। नमक डालने से ये बहुत टेस्टी लगेगी। दाल में मैंने नमक मिक्स कर लिया है। अब इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाए अच्छे से, तब इसे आप एक एयरटाइट जार में भर के रख लीजिए। तब ये 1.5 से 2 महीने तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी और इसे आप लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे।
तो तैयार है हमारी मूंग दाल नमकीन, जो खाने में बहुत टेस्टी है और बिल्कुल इजी तरीके से बन जाती है। अगर आपको मेरी मूंग दाल नमकीन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।